हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुल कुमार पांडे पीएससी जीएस एटम से। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं में पूर्व के वर्षों में आए पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, एग्जाम देने से पहले यदि हमें पता हो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है तो निश्चित तौर पर हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम में सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसे बात अगर हिस्ट्री की जाए तो मेडिवल हिस्ट्री से कम प्रश्न आते हैं, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन व एंशियंट हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम अपनी मेहनत मेडिवल हिस्ट्री पर क्यों बर्बाद करें। इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब की बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर वर्ष 2013 की बात की जाए तो साइंस से 12 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 11, आईएनसी अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस से 14 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए थे, भूगोल से 7 क्वेश्चन आए थे, उसमें भूगोल से काफ़ी कम क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से 14 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स जो कि हर समय महत्वपूर्ण रहा है 39 क्वेश्चन आए थे, और सेंसस एनवायरमेंट से 21 क्वेश्चन आए थे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से 5 क्वेश्चन आए थे, और अदर्स क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन थे। बात अगर 2014 के एग्जाम की जाए तो 14 क्वेश्चन विज्ञान से थे, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, 22 क्वेश्चन उस बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, और 19 क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स से थे, राज्य व्यवस्था से थे, जियोग्राफी से 13 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चन थे, सेंसस और एनवायरमेंटल से 18 क्वेश्चन थे, यूपी स्पेशल से 6 क्वेश्चन थे, अदर से 7 क्वेश्चन थे। बात अगर 2015 की जाए तो 27 क्वेश्चन विज्ञान से थे, हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, और आईएनसी से 9 क्वेश्चन, पॉलिटी से 23 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन, इकोनॉमिक से 13 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन, सेंसस और एनवायरमेंट से 18 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 2 और अदर से 2 क्वेश्चन थे। 2016 में फ्रेंड्स विज्ञान से 30 थे, विज्ञान ने काफ़ी ज़्यादा बढ़त ली है यहाँ पर, और हिस्ट्री से 15 थे, आईएनसी से 6 क्वेश्चन थे, काफ़ी कम हो गए आईएनसी से, पॉलिटी जैसा कि हर समय इम्पॉर्टेंट रहा है इस बार भी 21 क्वेश्चन थे, भूगोल से 19 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स में इस बार क्वेश्चन बढ़े थे 2016 में 17 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स 19 क्वेश्चन थे, और पर्यावरण इन्वायरमेंट से और सेंसस से 12 क्वेश्चन थे, यूपी स्पेशल से 4 क्वेश्चन थे, और अदर क्वेश्चन 7 थे। बात अगर 2017 की जाए जो कि अभी एकदम नया हुआ है एग्जाम, तो विज्ञान से फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था यहाँ पर विज्ञान, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन थे, आईएनसी से 10 क्वेश्चन थे। बात अगर हिस्ट्री की जाए फ्रेंड, तो हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री से एकदम केवल 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी एंशियंट हिस्ट्री से थे, और पॉलिटी से 19 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार, और इकोनॉमिक से 8 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक में आपसे केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्या बस वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स 31 क्वेश्चन थे, जो कि लगभग 90% जो है भारतीय करंट अफेयर्स होते हैं, भारत के बारे में पूछा जाता है, और इन्वायरमेंट से 8 क्वेश्चन थे, सेंसस से 4 क्वेश्चन थे, सेंसस इस बार काफ़ी कम हो गया था फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल से 3 क्वेश्चन थे और अदर से 1 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो साइंस, आईएनसी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी है। अगर इन चारों पांचों को अगर लेकर के हम चलते हैं, बाकी सब पे कम थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके बाद भी केवल 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, तो अगर हम साइंस, आईएनसी और पॉलिटी, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो लगभग 115 से 120 क्वेश्चन का एवरेज रहा है हर समय हर साल जो है, तो देखा जाए तो वो मार्क लगभग 152 से 160 क्वेश्चन 160 मार्क तक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको जितने भी मार्क जरूरत होती है लगभग मिल जाते हैं और हमारा पेपर आसानी से निकल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा कवर करें।